खेसारी लाल यादव की पत्नी ने खेसारी लाल यादव के बर्थडे के मौके पर नहीं बुलाया अक्षरा सिंह, काजल राघवानी और आम्रपाली दुबे को। जी हां, भोजपुरी की ए लिस्टेड हीरोइन ने गायब रही खेसारी लाल यादव के बर्थडे पार्टी में। और आपको बता दें कि उनकी ये बर्थडे पार्टी किसी और ने नहीं, उनकी पत्नी चंदा ने ऑर्गेनाइज की थी उनके लिए। खेसारी लाल यादव के 33वें बर्थडे को शानदार बनाने के लिए उनकी पत्नी चंदा ने एक बहुत बड़ी पार्टी दी, जिसमें उन्होंने अपने रिश्तेदारों और तकरीबन भोजपुरी के हर बड़े चेहरे को बुलाने की बात कही। लेकिन ये क्या, खेसारी लाल यादव के बर्थडे में कोई भी बड़ा नाम चीन भोजपुरिया इंडस्ट्री का नहीं दिखा, फिर वो चाहे पवन सिंह हो। वैसे पवन सिंह को हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि पवन सिंह तो फिलहाल जोधपुर में है। रही बात दिनेश लाल यादव और निरहुआ की, तो वो मथुरा में है। सभी के न आने का एक रीजन है, लेकिन आपको ये बता दें कि सोशल मीडिया अकाउंट पे न अक्षरा सिंह ने, न आम्रपाली ने, किसी ने भी भोजपुरिया स्टार खेसारी लाल यादव को जन्मदिन की बधाई नहीं दी। और यहाँ तक कि पवन सिंह, जो उनसे अपने दोस्ती का दम भरते हैं, उन्होंने भी खेसारी लाल यादव को उनके जन्मदिन पर कोई बधाई नहीं दी। लेकिन यहाँ दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक काम ये किया कि अपनी फोटो खेसारी लाल यादव के साथ इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर तो की, लेकिन कैप्शन में वो कुछ लिखना ही भूल गए। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर ये तो साफ पता चलता है, भले ही ये लोग कहें कि आज वो खेसारी लाल यादव के दोस्त हैं, लेकिन दोस्ती कहीं झलकती नहीं। लेकिन फिर हम आते हैं चंदा यादव पर। जी हाँ, खेसारी लाल यादव की पत्नी ने इस बर्थडे को इतना शानदार बनाया कि ये पहली बार मौका होगा जब खेसारी लाल यादव का बर्थडे इतने शानदार तरीके से मनाया जा रहा हो। चंदा यादव ने इस बर्थडे पर खेसारी लाल यादव को सोने का ब्रेसलेट गिफ्ट किया, और वहीं उनकी बेटी कृति ने उन्हें एक सोने की चैन गिफ्ट की। लेकिन ये शिकायत तो चंदा यादव से हमेशा रही है भोजपुरी इंडस्ट्री की हीरोइनों को, कि वो उनके साथ कभी कंफर्टेबल नहीं होती। तभी तो अपने घर में चल रही सभी ओकेजन पर वो भोजपुरी इंडस्ट्री की किसी भी एक्ट्रेस को बुलाना मुनासिब नहीं समझती। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।